गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आज हमारा फोर्थ आर्टिकल्स होगा। हम दा का रूल पढ़ रहे थे। नगरों, महानगरों और व्यक्तियों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी नगर महानगर का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। जैसे देखो, मैं एग्जांपल में दिल्ली, आगरा, राम, अजमेर, सीता, रहीम, खानपुर, रीता, गुजरात, इन सब के पहले मैंने कुछ भी नहीं लगेगा और ना मैंने लगाया है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि किसी भी नगर महानगर या किसी भी नाम के पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। सुपरलेटिव अगला रूल है, फिफ्थ रूल। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द स्मॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द बिगेस्ट, द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ये ओ है, द लॉन्गेस्ट, द वर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। अगला रूल है, रेलगाड़ियों और समाचार पत्रों से पहले द का प्रयोग होता है। किसी भी रेलगाड़ी का नाम हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो, उनके नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजस्थान पत्रिका, द पंजाब केसरी, द भास्कर, ये सब क्या हैं? द इंडियन एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है, द शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है, द राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर का नाम है, द पंजाब केसरी न्यूज़पेपर का नाम है, द भास्कर न्यूज़पेपर का नाम है। कोई भी मतलब न्यूज़पेपर हो या किसी भी रेलगाड़ी का नाम हो, उनके नाम से पहले हमें द यूज़ करना है, द लगाना है। तो आज मैंने ये दो रूल्स बताए हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा को यूज़ करेंगे और रेलगाड़ी या कोई समाचार पत्र से पहले दा को यूज़ करेंगे और किसी भी नगर महानगर या किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये सारे रूल्स आपको बेटा लर्न करने हैं। सारे आर्टिकल्स ए एन दा का यूज़ आपको ढंग से अच्छे तरीके से लर्न करना है और इनको याद भी कर इनको यूज़ भी करके देखना है। थैंक यू।